जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स क्लासेज में आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है केमिस्ट्री के इस सिक्स्थ लेक्चर में। अभी तक मैंने 5 लेक्चर अपलोड कर दिया हूँ, उसे भी जाकर के देखें। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे डिफ्यूज़न यानी कि विसरण ये क्या होता है इसके बारे में, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है यानी कि संगलन इसके बारे में जानेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और निक्षेप यानी डेपोजिशन ये किसे कहा जाता है इसके बारे में बारीकी से ज्ञान प्राप्त करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वह है ऊर्ध्वपातन यानी कि सबलिमेशन, यानी कि सबलिमेशन किसे कहते हैं और इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स क्या क्या है, उस महत्वपूर्ण बिंदु पर बारीकी से हम लोग अभी बात करेंगे। तो दोस्त आइए हम लोग इस महत्वपूर्ण बिंदु को एक नज़र देखते हैं। विसरण पहला पॉइंट है, विसरण यानी कि डिफ्यूजन किसे कहते हैं। घनत्व में अंतर रहने के कारण गैसों का गैसों में मिलना विसरण कहलाता है। कहता है क्या कि अगर दो प्रकार का गैस लिए लेकिन उसके घनत्व में अंतर है, तब पर भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है उसको मिलाने में, या वो यानी कि वो सुगमता से आपस में मिल जाता है, इसको क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि घनत्व में अंतर है तब पर भी गैस जो है, अगर दूसरे गैस में एक गैस को एक दूसरे गैस से अगर मिलाना चाहे तो वो आसानी से मिल जाता है, इसीलिए इसका विसरण का जो यानी कि डिफ्यूजन को जो एक्सप्लेन किया गया है और उसमें कहा गया है कि घनत्व में अंतर रहने के कारण गैसों का गैसों में मिलना विसरण कहलाता है, बिल्कुल राइट कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट में, तापमान के बढ़ने से विसरण का गुण बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो उससे क्या होता है कि गैस तेज़ी से क्या होगा, फैलेगा, या किसी प्रकार का इत्र वगैरह रहेगा रूम में, अगर उसको क्या छिड़क दिया जाए तो अगर टेम्परेचर गर्मी ज़्यादा है तो बहुत तेज़ी से वो क्या करेगा, स्मेल उसका फैल जाएगा। किसके कारण? इसी डिफ्यूजन के कारण, इसी विसरण के कारण। नेक्स्ट बिंदु है इसका, विसरण के गुण के कारण ही। अब कहा जाता है क्या, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस विसरण का महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज़ क्या है जिसके कारण निम्न बातें होती है, क्या होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है कि गर्म खाने की सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है कि अगर खाना बन रहा होता है किचन में लेकिन दूसरे रूम तक भी उसका स्मेल आ जाता है तो वो किसके कारण आ जाता है, और हम लोग महसूस करते हैं कि भाई ये जो खाना बन रहा है बहुत ही लजीज बन रहा है, तो ये आपको डिफ्यूजन के कारण ऐसा महसूस होता है हम लोगों को, और जो है या विसरण के कारण महसूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इत्र का बोतल से सुगंध का फैलना, बिल्कुल सही बात है। हम लोग जैसे पार्टी शार्टी में जाते हैं और परफ्यूम वगैरह लगा लेते हैं, पूरा रूम हम लोग लगाते हैं यहाँ, लेकिन इसका स्मेल जो है 10 कदम 20 कदम दूर भी मतलब क्या पहुँच जाता है, यानी पूरा रूम में भी फैल जाता है। किसके कारण? यह विसरण के कारण या डिफ्यूजन कारण यह क्रिया होती है, या फिर जो है ना मल मूत्र की दुर्गंध नाकों तक पहुँच जाता है, जहाँ गंदगी है, डस्ट है, बहुत सारा गंदा चीज़ है, यानी कि मलमूत्र समझ ही गए, इसका जो स्मेल होता है नाकों तक पहुंच जाता है, और हम लोग अपनी ज्ञान इंद्रियों से यह महसूस कर लेते हैं कि यह कोई सरी हुई गंदी जगह है, इसीलिए हम लोग वहां से दूर भाग जाते हैं, यानी कि हट जाते हैं। किसके कारण ये महसूस करते हैं? तो डिफ्यूजन के कारण, विसरण कारण। नेक्स्ट कहा जाता है कि ठोस द्रव तथा गैस
पर ताप का प्रभाव, यानी कहा जाता है क्या कि ठोस है, द्रव है तथा गैस है, उस पर इस टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कहा जाता है क्या कि ठोस का द्रव में बदलना, ठोस पदार्थ है वो किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा, क्या कहलाएगा, संगलन कहलाएगा, मेल्टिंग कहलाएगा। कोई ठोस पदार्थ है उसका द्रव में बदल जाना क्या कहलाएगा, मेल्टिंग कहलाएगा। जैसे क्या कि आप चीनी को गर्म कर दिए तो वो क्या पिघलने लगता है, तो वो द्रव में बदल गया ना, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, संगलन बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्त, द्रव का ठोस में बदलना, द्रव का ठोस में बदलना जमनांग कहलाता है, या जमना कहलाता है, या फ्रीजिंग कहलाता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, या हम लोग भी क्या करते हैं, फ्रिज में लिक्विड फॉर्म में पानी को बोतल में रख देते हैं, या कटोरी में पानी को रख देते हैं, वो अगर 5 दिन या 4 दिन 2 दिन छोड़ देंगे तो वो क्या होता है, बिल्कुल वह बर्फ़ बन जाता है, ठोस अवस्था में आ जाता है। तो कहा जाता है क्या कि द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, जमना कहलाता है, या फ्रीजिंग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गैसों का सीधे ठोस के रूप में बदलना, कहता है कि गैस सीधे किसे बदल जाएगा, ठोस में अगर बदल जाएगा, इस क्रिया को निक्षेप या डिपोजिशन कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट से मेरे मित्र कि सबलिमेशन, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन या सबलिमेशन किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदलता है तो यह पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाता है, तथा यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कहा जाता है क्या कि जब कोई पदार्थ को, जब आप क्या करिएगा, जब कोई पदार्थ ठोस पदार्थ को जब आप गर्म करिएगा तो बीच में लिक्विड फॉर्म नहीं आएगा, डायरेक्ट किस में चला जाएगा, गैस बन जाएगा। तो उस पदार्थ को, उस सब्सटेंस को ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। लेकिन यह जो घटना होता है, यानी कि ठोस से डायरेक्ट गैस में तब्दील होना, इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सबलिमेशन कहते हैं। जैसे हो गया आपको कपूर, आयोडीन, गंधक यानी कि सल्फर, नौसादर NaCl, और कहता है एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल, नेप्थिलीन और आयोडोफॉर्म। ये तमाम चीज़ें ऊर्ध्वपातन का क्या है, एग्जाम्पल है। तो मेरे मित्र, ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा कि विसरण किसे कहते हैं, जो क्या करता है, घनत्व में अंतर रहते हुए भी दो गैसों को आपस में मिलाएगा तो आराम से मिल जाएगा, क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। तापमान के बढ़ने से विसरण गुण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कहता है कि खाना गर्म, गर्म खाने की सुगंध पूरे कमरे तक फैल जाता है, किसके कारण, डिफ्यूजन के कारण। इत्र पूरे रूम में फैल जाता है, किसके कारण, विसरण कारण। मल मूत्र का दुर्गंध नाक तक पहुंच जाता है, किसके कारण, विसरण के कारण। ठोस का द्रव में बदलना संगलन यानी कि मेल्टिंग, द्रव का ठोस में बदलना जमना यानी कि फ्रीजिंग, गैसों का सीधे ठोस में बदलना डिपोजिशन या निक्षेप कहलाता है। अब कहता है क्या कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जिसका एग्जाम्पल है आपको कपूर, आयोडीन, गंधक यानी कि सल्फर, नौसादर NaCl, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल, नेप्थिलीन और आयोडोफॉर्म। तो मेरे मित्र, आपको यह वीडियो, यह लेक्चर अच्छा लगा होगा जो मैंने अभी आप लोगों के समक्ष रखा। अगर यह वीडियो दिल को छू लिया होगा तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।